हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और पिछले वीडियो मैंने अनबॉक्स किया था शाओमी का बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन रेडमी 7A, साथ में एक क्विक रिव्यू भी दिया था, साथ में कुछ कैमरा सैंपल्स भी आपको उस वीडियो में दिए थे। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इधर आई बटन में दे दूंगा, तो जाकर एक बार देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है रेडमी 7A का एक क्विक कैमरा रिव्यू। अलग अलग तरह के लाइट कंडीशंस में मैंने फोटोज को कैप्चर किया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा किस तरह की फोटोज के अंदर क्वालिटी मिल जाएगी इस 6,000 रुपए के लगभग मिलने वाले स्मार्टफोन से। साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियो सैंपल्स भी मैंने दिए हैं, जिससे कि आपको वीडियो क्वालिटी का भी अंदाजा लग जाएगा और किस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड होती है वो भी पता चल जाएगा। तो अभी के लिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार इसी तरह का कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले बात करें Redmi 7A की कैमरा हार्डवेयर की, तो यहाँ पर मिलता है 12 मेगापिक्सल का रियर सिंगल कैमरा सेटअप, जहाँ पर कि सेंसर है IMX486 f2.2 के अपर्चर के साथ में, 5P लेंस और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ में आता है। और Redmi 7A पहला स्मार्टफोन है जो IMX486 सेंसर के साथ में 6,000 रुपये के अप्रोक्स मिलता है। फोन के फ्रंट में मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.2 के अपर्चर के साथ में, साथ में फ्रंट कैमरा में AI पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, लेकिन रियर कैमरा में पोर्ट्रेट मोड नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल ऑटो मोड डेलाइट कंडीशंस में कैप्चर किए गए कुछ फोटोज। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट सनलाइट में आउटडोर में ये फोटोज़ कैप्चर किए गए हैं, और जो फोटोज़ के अंदर क्वालिटी है, डिटेल्स है, वो काफ़ी अच्छी है। साथ में कलर्स वगैरह भी नेचुरल दिखाई देते हैं, कभी कभी जैसे ग्रीनरी वगैरह है फोटोज़ के अंदर, तो वहाँ पर AI की वजह से थोड़े से और ज़्यादा पंची कलर्स निकल कर आते हैं, और ओवरऑल सैचुरेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है फोटोज़ के अंदर। और रियर कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है रेडमी 7A में, तो नॉर्मल मोड में कुछ इस तरीके से फोटोज़ मिलते हैं। स्किन टोन्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल से ही दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन को मैंने इस फोटो में मीडियम पर रखा है। अब देख लेते हैं कुछ फोटोज़ जो इंडोर लो लाइट और आर्टिफिशियल लाइट्स में कैप्चर किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कलर्स वगैरह नेचुरल से ही दिखते हैं, इसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाती हैं, लेकिन लो लाइट कंडीशंस में जैसे कि ये फोटोज़ कैप्चर किए गए हैं, तो बैकग्राउंड ब्लर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है मैक्रो शॉट्स में। अब देख लेते हैं कुछ आउटडोर डे लाइट में कैप्चर किए गए मैक्रो शॉट्स। तो फ्लावर वगैरह या फिर कोई पत्तियों वगैरह के फोटोज़ को कैप्चर करते हैं, तो कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से निकल कर आते हैं, बैकग्राउंड ब्लर और एज डिटेक्शन वगैरह भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 6,000 रुपये के फ़ोन के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे फोटोज़ हैं, लेकिन रियर कैमरा में पोर्ट्रेट मोड होता तो और भी काफ़ी अच्छी बात थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ सेल्फी सैंपल्स। तो यहाँ पर नॉर्मल मोड में कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है फ्रंट कैमरा में, AI के ज़रिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एज डिटेक्शन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल सेल्फ़ी की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है, और इन सभी फ़ोटोज़ में मैंने मीडियम लेवल पर रखा हुआ था ब्यूटिफिकेशन को। देख पा रहे होंगे क्वालिटी कैसी मिलेगी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे सेल्फीज़ मिल जाती हैं रेडमी 7A से। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, अभी के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है Redmi 7A के फ्रंट कैमरा से, ऑडियो भी फोन के ही माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जा रहा होगा किस तरह की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी Redmi 7A के फ्रंट कैमरा से। और फोन के रियर में मिलता है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, मतलब कि PDAF, किस तरीके से काम करता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऑटो फोकस प्राइस के हिसाब से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हल्का सा जर्क है बस। साथ में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में टच टू फोकस भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं आगे वाली और पीछे वाली पत्तियों के बीच में बार बार स्विच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप फोकस को स्विच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करता है। और ये जो वीडियो सैंपल आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हुआ है Redmi 7A के रियर कैमरा से फुल HD, मतलब कि 1080 पिक्सल्स पर, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेक देखने को मिलता है वीडियो के अंदर, बिकॉज Redmi 7A में कोई भी EIS का सपोर्ट नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में तो बोलूँगा मैं ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आने वाला है, लेकिन Redmi 6A में शायद EIS था, आपको अगर याद है तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा 6,000 रुपये के प्राइस में IMX486 Xiaomi की तरफ से एक काफ़ी अच्छा मूव है। नॉर्मल मोड में फोटोज़ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, आउटडोर में मैक्रो शॉट्स भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट मोड मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया। 6,000 रुपये के फ़ोन में भी पोर्ट्रेट मोड होना ही चाहिए था। बाकी सेल्फीज़ के अंदर मुझे प्राइस के हिसाब से कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लगी जिसकी वजह से मैं आपको बोलूँ सेल्फ़ी अच्छी नहीं है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कैसे लगे आपको Redmi 7A से कैप्चर किए गए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की क्वालिटी।
क्वालिटी आप रेडमी 7A लेना पसंद करेंगे या फिर रियलमी C2 या फिर कोई और स्मार्टफोन, कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली बार इसी तरह का कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।